Hi guys, this is Sajjan and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. Today we are going to create corporate business presentation in Adobe After Effects like this. So we are in Adobe After Effects. ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं. ये मेरे पास दो इमेजेस हैं जो मैं इस ट्यूटोरियल में यूज करूंगा. इनको मैं एक फोल्डर में सेट कर रहा हूं एंड द नेम इज एसेट्स. एंड एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग न्यू कंपोजिशन एंड द नेम इज मेन कॉम 1920x1080 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स ड्यूरेशन एंड देन ओके. ओके, उसके बाद मैं एक और न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ प्लेस होल्डर 1 सेम सेटिंग्स के साथ. और मैं अपना पहला इमेज ड्रॉप कर रहा हूँ प्लेस होल्डर 1 में. एस प्रेस करना है स्केल के लिए. स्केल स्क्रीन पर सेट कर लें आप अपने इमेज का जहां पर आपको बेहतर लगे. आई थिंक ये इमेज यहां पर बेस्ट है 36 पर. स्केल पर की फ्रेम देंगे 0 ड्यूरेशन पर एंड 10 सेकंड ड्यूरेशन पर. इसका स्केल हम थोड़ा सा प्लस करेंगे लाइक दिस. मेन कंपोजिशन में आएंगे प्लेस होल्डर 1 को ड्रॉप करना है. उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल लेंगे. इसमें स्ट्रोक आपका जो है नन होगा और फिल जो है सॉलिड कलर होगा. मैं वाइट कलर ले रहा हूँ यहाँ पर. और इस तरह से हम एक शेप क्रिएट करेंगे लाइक दिस. हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लें शेप को और लेयर को एक्सपेंड करना है. शेप लेयर को रेक्टेंगल रेक्टेंगल पाथ 1 और राउंडनेस इस तरह से बढ़ानी है कि इसको हमने फुल गुलाई में लेना है लाइक दिस. शेप का नेम मैं सिंपली मास्क लिख रहा हूँ. प्लेस होल्डर 1 का ट्रैक मैट हम अल्फा मैट कर देंगे. ट्रैक मैट का ऑप्शन अगर यहाँ पर नहीं है तो आप F4 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से या राइट क्लिक करेंगे कॉलम और यहाँ पर आपको ये मोड स्विचेस एंड पेरेंट लिंक वगैरह मिल जाएंगे. एनीवे, प्रोजेक्ट पैनल से अगेन प्लेस होल्डर 1 को सबसे नीचे ड्रॉप करेंगे. तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे. पी प्रेस करेंगे पोजिशन के लिए एंड 1 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजिशन पर की फ्रेम देंगे एंड 0 ड्यूरेशन पर इनको हमने राइट साइड पर ले जाना है तीनों लेयर को. ओके, 4 सेकंड ड्यूरेशन पर अगेन हमने सिंपली की फ्रेम देना है और 5 सेकंड ड्यूरेशन पर इनको हमने ऊपर की साइड ले जाना है. ओके, सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है. राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट एंड इजी ईज या F9 प्रेस करेंगे. सिंपली आप अपने कीबोर्ड से ग्राफ एडिटर में आना. ग्राफ एडिटर का लुक अगर मेरे लुक जैसा नहीं है तो राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ पर क्लिक कर लीजिए. सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और लुक आपने इस तरह से बनाना है लाइक दिस. ओके, तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ. अगर आपको आपका एनिमेशन थोड़ा फास्ट लग रहा है तो सेकंड वाले तीनों की फ्रेम थोड़े से आगे कर लें और लास्ट वाले की फ्रेम थोड़े से आगे कर लें. ओके, सबसे नीचे वाला जो प्लेस होल्डर है उस पर टी प्रेस करेंगे ओपेसिटी के लिए एंड ओपेसिटी 25 कर देंगे. और इसी पर हमने गशियन ब्लर लेगेसी अप्लाई करना है और उसका ब्लरीनेस यहाँ से 30% कर देना है. प्लेस होल्डर 1 पर भी हमने गशियन ब्लर अप्लाई करना है और 0 ड्यूरेशन पर आपने ब्लरीनेस पर की फ्रेम देना है और ब्लरीनेस यहाँ से 25% एंड 1 सेकंड ड्यूरेशन पर ब्लरीनेस यहाँ से 0 कर देना है. सो अगेन प्ले करते हैं. सेकंड वाले प्लेस होल्डर पर मैं यू प्रेस कर रहा हूँ तो ब्लरीनेस के की फ्रेम भी नजर आएंगे और इसका लास्ट की फ्रेम में थोड़ा सा आगे प्लेस कर रहा हूँ. ओके, इट्स परफेक्ट. ओके, प्रोजेक्ट पैनल में आएंगे और एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे. टेक्स्ट 1 कंपोजिशन का नेम लिख रहा हूँ मैं. इसमें विड्थ हम 1000 एंड हाइट 200 लेंगे. रेक्टेंगल टूल लेंगे. इस टाइम पे स्ट्रोक हमारा जो है सॉलिड कलर होगा वाइट और स्ट्रोक यहाँ से 15 पिक्सल्स एंड फिल यहाँ से नन. और इस तरह से एक शेप क्रिएट करेंगे. आई थिंक स्ट्रोक थोड़ा ज्यादा है, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ लाइक दिस 8 से 10. हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आप इसको सेंटर कर लेंगे. लेयर को एक्सपेंड करेंगे रेक्टेंगल पाथ 1 में. साइज थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ मैं लाइक दिस. एंकर पॉइंट सेंटर कर लें और रेक्टेंगल पाथ 1 में आपने इसका राउंडनेस इस तरह से बढ़ाना है कि इसको फुल हमने गोल कर लेना लाइक दिस. स्ट्रोक आई थिंक अभी भी थोड़ा ज्यादा है तो मैं 6 कर रहा हूँ. और लेयर को एक्सपेंड करके एड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ट्रिम पाथ्स लेंगे. ट्रिम पाथ्स को एक्सपेंड करना है आपने एंड 0 ड्यूरेशन पर एंड पर की फ्रेम देना है और एंड की वैल्यू यहाँ से 0% कर देनी है. ऑफसेट पर भी की फ्रेम देना है और ऑफसेट को हमने 180 डिग्री कर देना है. और 3 सेकंड ड्यूरेशन पर आपने एंड की वैल्यू 100 कर देनी है. ऑफसेट को 1 एंड 0 डिग्री कर देना है. अभी प्ले करेंगे इसको.
ओके अगर आपको आपका एनिमेशन स्लो लग रहा है तो आप लास्ट के की फ्रेम थोड़ा पीछे कर सकते हैं। चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे F9 से इजी ईज ग्राफ एडिटर में। इनका लुक आपने इस तरह से बनाना है। ओके ये इस तरह से प्ले होगा। ओके शेप का नेम मैं टेक्स्ट शेप लिख रहा हूँ और यहाँ पर अब हमने अपना टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट टूल लेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। ओके ये मैंने अपना टेक्स्ट जो है वो लिख लिया। आप अपना टेक्स्ट लिख लेंगे और टेक्स्ट शेप पर जीरो ड्यूरेशन पर आएंगे, एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए, टेक्स्ट शेप को एक्सपेंड करेंगे, कॉन्टेंट रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल पाथ 1 साइज पर आएंगे, जीरो ड्यूरेशन पर साइज पर की फ्रेम देंगे एंड 2 से 3 सेकेंड ड्यूरेशन पर हम इसका साइज ज्यादा कराएंगे लिटिल बिट लाइक दिस। ओके ओके और टेक्स्ट शेप लेयर पर हम फिल अप्लाई करेंगे। आप अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं बट मैं कुछ इस तरह का ले रहा हूँ, येलो टाइप कलर लाइक दिस। ओके और टेक्स्ट की सेटिंग आपकी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, सो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। येलो रैम स्पम का डमी टेक्स्ट है और साइज थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं साइज थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। ओके मेन कंपोजिशन में आएंगे और टेक्स्ट कंपोजिशन को सबसे ऊपर ड्रॉप करेंगे, एस प्रेस करेंगे और स्केल थोड़ा ज़्यादा ये यहाँ पर, मास्क शेप पर यू प्रेस करेंगे और किसी भी की फ्रेम पर आना है आपने और सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, टेक्स्ट कंपोजिशन पर पी प्रेस करना है पोजीशन एंड कंट्रोल वी के साथ सभी की फ्रेम पेस्ट कर देना है। तो मैं इनको स्टार्ट में ले आऊँगा तो ये भी एनिमेशन सेम उसी तरह से आएगा। तो हमने अगेन किसी भी की फ्रेम पर आना है इस तरह से, आप बिल्कुल की फ्रेम के ऊपर आपका ये टाइम इंडिकेटर होना चाहिए और सभी की फ्रेम सिलेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके नीचे ले आएंगे, आपका पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आई थिंक पैराग्राफ वाला जो टेक्स्ट है ये थोड़ा डल है, तो टेक्स्ट कंपोजिशन में आएंगे, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं बुक से रेगुलर कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि फॉन्ट में बेबाज न्यू यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अपने मोस्टली ट्यूटोरियल्स में यूज़ करता हूँ, मुझे ये फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री फॉन्ट है, आप कहीं से भी डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। एनीवे हम मेन कंपोजिशन में आएंगे, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पहले से कुछ बेहतर लग रहा है। मास्क प्लेस होल्डर 1 एंड मास्क शेप को थोड़ा सा हमने आगे प्लेस करना है लाइक फ्यू फ्रेम्स और टेक्स्ट को भी थोड़ा सा आगे। ओके इट्स परफेक्ट। सो फर्स्ट सीन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सभी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड प्री कंपोज, यहाँ से सीन 1 मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके। सो अभी हम सीन 2 बनाएंगे, उसके लिए मैं एक न्यू कंपोजिशन बना रहा हूँ, सीन 2 1920x1080। प्लेस होल्डर 1 को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, प्लेस होल्डर 2 को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम अपना सेकंड इमेज इस इमेज 1 के साथ रिप्लेस करेंगे, आल्ट को प्रेस करके होल्ड करना है और आपका इमेज रिप्लेस हो जाएगा। सीन 2 में आएंगे, प्लेस होल्डर 2 को ड्रॉप करेंगे, एस प्रेस करना है स्केल के लिए और स्क्रीन पर सेट कर लेना है आपने। ओके सीन 1 को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, फिल हमारा सॉलिड कलर होगा वाइट या कोई भी स्ट्रोक नन होगा और इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे लाइक दिस। इसको आपने वर्टिकली सेंटर कर लेना, लेयर को एक्सपेंड करना है, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल पाथ 1 और राउंडनेस इस तरह से आपने करना है कि ये फुल गोल हो जाए लाइक दिस। एंकर पॉइंट सेंटर कर लेंगे, शेप का नेम मास्क, इसी प्लेस होल्डर को हमने यहाँ पर डुप्लीकेट करना है, सेंटर वाले प्लेस होल्डर 2 को अल्फा में ऐड कर देना है, नीचे वाला प्लेस होल्डर जो है उस पर टी प्रेस करना है, सेम वही स्टेप्स हैं, ओपेसिटी 25 कर देनी है और सीन 1 में आना है, प्लेस होल्डर 1 जो नीचे वाला है उसका गशियन ब्लर यहाँ से कॉपी करना, सीन 2 में लाकर नीचे वाले प्लेस होल्डर पर पेस्ट कर देना है। तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, पी प्रेस करना है पोजीशन के लिए एंड 1 सेकंड से थोड़ा आगे पोजीशन पर की फ्रेम देना है एंड 0 ड्यूरेशन पर इनको हम नीचे की साइड ले जाएंगे लाइक दिस और फ्यू फ्रेम्स आगे जाना है 3 से 4 सेकंड तक। अगेन पोजीशन पर सिंपली की फ्रेम्स देने हैं और फिर कुछ फ्रेम आगे जाकर सेम वही स्टेप्स हैं और इनको हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। ओके सभी की फ्रेम सेलेक्ट करना है F9 से इजी ईज ग्राफ एडिटर और वही लुक बनाना है जो हमने पहले सीन में बनाया था। ओके सो प्ले करके देखते हैं। ओके इट्स परफेक्ट। प्रोजेक्ट पैनल में आएंगे, टेक्स्ट 1 कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे सबसे ऊपर, एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए और यहाँ से स्केल इसका थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, इसे हमने यहाँ पर सेट करना है लाइक
यहाँ पर सेम वही स्टेप है, मास्क शेप पर यू प्रेस करना है, सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, टेक्स्ट कंपोजिशन पर पी प्रेस करना है पोजीशन के लिए, और जीरो ड्यूरेशन पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है की फ्रेम। किसी भी की फ्रेम के ऊपर आपने आना है, सभी की फ्रेम सिलेक्ट होने चाहिए, सिंपली यहाँ से पकड़ना है और इसे यहाँ पे सेट कर लेना है। प्लेस होल्डर टू मास्क एंड मास्क दोनों लेयर फ्यू फ्रेम आगे और टेक्स्ट कंपोजिशन भी फ्यू फ्रेम आगे। प्रोजेक्ट पैनल में टेक्स्ट कंपोजिशन को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ से आप अपना टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेंगे, जो भी आपका सेकंड टेक्स्ट होगा सीन के लिए। मैंने जस्ट ये वाला टेक्स्ट चेंज किया है, पैराग्राफ नहीं किया, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सीन टू में आएंगे और हम टेक्स्ट वन कंपोजिशन को टेक्स्ट टू कंपोजिशन के साथ आल को प्रेस करके रिप्लेस कर देंगे। मेन कंपोजिशन में आएंगे और सीन टू को सबसे ऊपर ड्रॉप करेंगे और इसे हम 5 सेकंड्स पर ले जाएंगे, 5 सेकंड से थोड़ा पीछे लाइक यहाँ पर। तो अभी प्ले करके देखते हैं, इट्स लुक गुड टू मी। 9 सेकंड से थोड़ा आगे मैं एन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये यहीं तक रहेगा। एक लास्ट स्टेप है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी। में राइट क्लिक करके एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बना रहा हूँ और इस एडजस्टमेंट लेयर पर मैं सबसे पहले कर्व्स अप्लाई करूंगा, और कर्व्स में आरजीबी लाइन को थोड़ा सा ऊपर, डाउन पॉइंट को थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा शार्प हो जाएगा। अगेन एडजस्टमेंट लेयर पर मैं ग्रेडियंट रैंप अप्लाई कर रहा हूँ, उस लेयर पर मैं कलर्स कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के कलर ले सकते हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज लाइक दिस, और यहाँ से इसका ब्लेंड विद ओरिजिनल जो है वो 80% कर देना है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस लेयर को रखना चाहते हैं या नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ओके, इसी तरह से आप बाकी के सीन भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके एक न्यू सॉलिड लेयर बना लें और मैं इस सॉलिड लेयर में कलर कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, सेंट्रल ग्रे टाइप, नेम इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अगर आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर इस लेयर को सबसे नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं इसमें बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई कर लूँ। ओके, हमें एडजस्टमेंट लेयर का ये फायदा हुआ कि ये बैकग्राउंड पर भी ग्रेडियंट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, एसेट्स और ये फाइल आपको एज इट इज मिल जाएगी, फर्स्ट लिंक का डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक आपको मिल जाएगा फॉन्ट्स के लिए, फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल आप एज इट इज डाउनलोड करके इसे एडिट करके अपने प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजीद ऐसे प्रोजेक्ट बनाकर वीडियो हाइव या अदर वेबसाइट्स पर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको यूज कर सकते हैं। ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह निगहबान।